हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप गोटे बढ़िया रेसीपी नहीं आखरु डक रई खास करके मत बहुत भल लगे आपमती लगे जन भी कमेंट निश्चय। तो चलो तो स्टार्ट करवा। तो मुझे बनवाप कखारू डक को भलसे काटिकी धोईकी सफा करके नहीं छोट छोट कर कखारु पत्र को भी भलसे चुन चुन करपर कि पर जमीक आलु बैगण सारु कखारु आउ जहनी तो याक भी भलसे काटिकी धोई नहीं सोरस मसला जहाँ भी प्रस्तुत करी तो ताकु भी रखी नहीं आम कड़े गरम करवा से तेल दबा सोरस तेल तेलटे गरम होगापुर सोरस टिके देदेब टिके फुटीगलापुर से आम पर देद भलसे घाटी दबा ताको एपट सेपट करके टिके समय कषि नबा टिके समय कषि सारापर से पकेबा हलदी गुंड लुण स्वाद अनुसार पकड़ गोल मसला को दबा सोरस मसला सोरस मसला जेहेतु अधिका कसिले पिता लगे से सांगे सांगे पानी दे देदेव अधिका ताको कसिबेनी देखिए गोल देवे भलसे ताको सांगे सांगे पानी देखे 15 मिनट ढांकी दबा पंद्रह मिनट हो गला देखते पानी भलसे फुटी गला से आम ए जो रखी थे कखारू पत्र को काटिके पकईदे भलसे गोल भल कि गोल से आम ए टमाटो पकेबा काटिके टमाटो को पकई भी भलसे गोल एगेन ताको पंद्रह मिनट घोड़े की छाड़ी दबा देखु हो गला पंद्रह मिनिट एम तरकारी भी भलसे हो गला रईटा आलु भी बहुत भलसे सीझीगला बढ़िया देखा जा। तो ये गरम गरम सर्व करवा आपण मानक जदि मो रेसीपीटी भल लगी था तले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूल आपण मैंने भी घरे बनई खातु बहुत टेस्टी होता डेलीसीयस यमी यमी पूरा। जय जगन्नाथ।